भारत के पूर्वी एवं बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र झारखंड में संताल परगना के बरहेट से कुछ दूर दक्षिण अवस्थित ग्राम भोगनाडी संताल विद्रोह की पृष्ठभूमि है। यहाँ प्रत्येक साल विद्रोह के नायक वीर सिद्धो कान्हू की याद में 30 जून को संताल परगना के अलावा विभिन्न क्षेत्रों से संतालों का विशाल जनसमूह इकट्ठा होता है, जिसमें दुमका से भोगनाडी तक विशेषकर संताल समुदाय के लोग पद यात्रा में 115 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। 157 बच्चों लहारे नवा बड़े बुटेरे हजार होड़ को जरवायन उनको समांग रे सिद्धू मुर्मू नवा बड़े जारे रे को फसी के दिया। इस शहीद ग्राम मेला में नेपाल, बांग्लादेश, असम, बंगाल के संताल समुदाय भी अपना विशेष मतलब से आते हैं। बंगाल को यही करना उन्हें सीन को तो उल्मा नेल ताबो इतिहास चेत करना ना को पढ़ाई बकरा थे कि असम रे आदिवासी फेस्टिवल हुई करना मैं ताले हुल महा से जित दिल गिरी हुई लगे ते आर हाँ अले दाड़ी लखुजो अपना सिद्ध करी भोगनाडी को ले स्टर कर। 30 जून 1855 में लगभग 30,000 संतालों ने भोगनाडी में उपस्थित होकर सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के खिलाफ हुल का घोषणा कर दी। संताल विद्रोह में विद्रोहियों ने मात्र तीर धनुष और भाले बरछे से बंदूकधारी अंग्रेज फौजों को मार गिराया और लड़ते लड़ते हजारों हजार की संख्या में संताल भी शहीद हुए। इन शहीदों के नाम पर भोगनाडी में प्रत्येक साल 30 जून को संतालों का विशाल मेला लगता है। इस मेले में समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य संगीत भी प्रस्तुत करते हैं। इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोगों को उनकी बलिदान से प्रेरणा लेने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, ताकि वो विकास के पथ पर नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, ईमानदारी के साथ, सिद्धू कान्हू की प्रेरणा से अपना एक सामाजिक पहचान, एक आर्थिक मजबूती अपने लिए तैयार करें। 1855 के संताल विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ कि संताल बहुलाय क्षेत्र के लिए संताल परगना के रूप में एक अलग जिला बनाया गया और इसके फलस्वरूप यहाँ के आदिवासियों को विशेष कानूनी संरक्षण संताल परगना काश्तकारी अधिनियम के रूप में दिया गया। मैं सनातन मुर्मू, संताल परगना दुमका झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।